कैथल में विधायक लीलाराम गुर्जर ने श्री कृष्ण कृपा समिति की ओर से आयोजित दूसरे वैक्सीनेशन कैंप कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन पर बयान दिया। उन्होंने किसानों को किसान न बताकर कांग्रेसी और कम्युनिस्ट बताया है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला की ओर से लोगों को ऑक्सीजन वितरण करने पर विधायक पर निशाना साधा है। किसान नहीं है, हम भी किसान हैं और किसान के बेटे हैं, खेती करने वाले आदमी हैं। किसान इस तरह की हरकत नहीं करता जिस प्रकार से टोहाना के अंदर हमारी विधानसभा के मेंबर हैं बबली जी, उनके साथ किया। ये किसानों का फर्ज या दायित्व नहीं बनता कि उनको सड़क पर घेरें, उनको घर से बाहर भी ना निकलने दें। किसान कभी भी ऐसा नहीं करता। ये कुछ परेशान टाइप लोग हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कम्युनिस्ट हैं, लाल झंडा उठाए घूमते हैं। इनमें कोई किसान नहीं है, ये सौदेबाज लोग हैं। आज यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की है और ये आदमी श्री कृष्ण कृपा जी समिति के द्वारा दूसरा वैक्सीनेशन कैंप स्वर्गीय राजेंद्र बल्ली जी की याद में लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनकी कोरोना से ही मृत्यु हुई थी। यहाँ पर ये आदरणीय परम आदरणीय पूजनीय संत श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य से आज दूसरा कैंप है। तो वहीं कृषि कानून को लेकर आंदोलनकारी किसान अपने रुख पर कायम है। आज किसान नेता और हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ हजारों अन्नदाता हरियाणा से दिल्ली की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़े। किसानों के काफिले में इस दौरान सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल थीं, जिन पर किसान अपने झंडे और पोस्टर बैनर लिए सवार थे। वो इस दौरान नारेबाजी भी कर रहे थे। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों का काफिला अब नहीं रुकेगा। चिलचिलाती गर्मी में भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों में जो जोश 6 महीने पहले था, वही जोश आज भी बरकरार है। पहले जोश हरियाणा और पंजाब का था, मगर अब ये जोश पूरे देश भर में फैल चुका है। तो किसानों में जो जोश 6 महीने पहले था, वही जोश आज भी बरकरार है। चढ़ूनी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों मोटरसाइकिल पर तमाम हमारे किसान निकले हैं, किसानों का काफिला अब नहीं रुकेगा। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार कहीं से मुकालते में ना रहे कि आंदोलन ठंडा हो गया है या आंदोलन में अभी शांति है और उसमें संख्या कम है, इस मुकालते में ना रहे। हम उनको दिखाना चाहते हैं केवल एक जिले की गाड़ियां आज हैं और आप देख सकते हैं कई किलोमीटर लंबा काफिला है और ऐसे ही 23 तारीख को करनाल से लेके ऐसे ही 10 तारीख को फिर पानीपत से ले जाएंगे। तो वही जोश किसानों में आज भी है जो 6 महीने पहले था, बल्कि उससे बढ़ गया है और उससे पूरे पहले हरियाणा पंजाब में था, अब ये पूरे देश। हरियाणा के डीजी जेल शत्रुजीत कपूर ने चाणक यमुना नगर जिला जेल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीआईजी सतेंद्र गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी मौजूदगी में पुलिस कर्मचारियों से सभी बैरकों की तलाशी करवाई। इसके अलावा जेल में कई व्यवस्था को देखा। जिला जेल अधीक्षक संजीव पात्रड़ ने बताया कि डीजी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल में कोरोना नियमों के हिसाब से कैदी और बंदियों को वैक्सीन लगवाई जा रही है, नियमों का पालन किया जा रहा है। तो कैदी और बंदी को वैक्सीन लगवाई जा रही है। कैथल पहुंचे लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने झूठ बोलने में मास्टरी का कोर्स किया हुआ है और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को खत्म करने में सुरजेवाला की अहम भूमिका है। वैक्सीन के नाम पर कांग्रेस ने जनता को बहकाने का काम किया, लोगों में अफवाह फैलाई कि वैक्सीन प्रधानमंत्री की है। मनोहर लाल जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना को लेकर के जो लोगों का जनता का सहयोग किया जा रहा है और कहीं पर भी किसी प्रकार की जनता को कोई दिक्कत
नहीं आने दिया इस कोरोना के समय के अंदर, और सरकार पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला करके लोगों के हर दुख सुख के अंदर वो खड़ी रही है। चाहे अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसकी आपूर्ति के लिए हर हॉस्पिटल के अंदर, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था मात्र 4-5 दिन के अंदर जो गड़बड़ाई थी उसको ठीक करने का काम वो किया है। सोनीपत में लगातार जुर्म अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा था और उसी को रोकने के लिए सोनीपत पुलिस लगातार मुजरिमों की धरपकड़ में लगी हुई है। जिले की CEA वन स्टॉप सोनीपत पुलिस ने 50,000 के मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश समेत साथी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने 4 मार्च 2021 को थाना शहर गोहाना में दर्ज डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। दोनों आरोपी लगातार गैंग वॉर में शामिल हैं। एक आरोपी मनीष भांगखेड़ा का रहने वाला है और कृष्ण सिकंदरपुर का रहने वाला है। दोनों आरोपियों ने चुनाव से पहले रसिया पहलवान की हत्या की रंजिश के चलते रबड़ा गांव में 2 डबल मर्डर किए थे। CIA वन प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को सलीम सर माजरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ उसका साथी भी गिरफ्त में आ गया है। एक हत्या और दूसरा हत्या के प्रयास में आरोपी है। 2021 को ड्रेड नंबर 8 गोहाना में रोहित और साहिल ये 2 लड़के थे, रबड़ा गांव के थे, इनकी हत्या हुई थी। और ये हत्या रिसिया पहलवान जो रबड़ा गांव का रहने वाला था उसकी हत्या के बदले में की गई थी। और इसके बाद अभी इस रसिया पहलवान का जो साथी थे उनके द्वारा दिनांक 23/4 को सतपाल नाम का एक लड़का था उसके ऊपर भी 3-7 की वारदात की गई थी। ये लोग लगातार वारदात के प्रयास में थे। इस पर एक SIT गठन अधिकारी के द्वारा किया गया था और आज इनको 4 बजे करीब हमने सलीमसुर माजरा से गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम मनीष कुमार और कृष्ण हैं और दोनों ही मुख्य आरोपी हैं जो इनामी बदमाश हैं और जिनका 50,000 रुपये के नाम के लिए भी अनुशंसा की जा चुकी है। कितनी वारदातों में इन्होंने एक डबल मर्डर और एक 3-7 किए और अन्य के भी हत्या के प्रयास में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।